कर देखो भाई, एकदम ही खतरनाक। वो बेबी, थैंक यू। तो हल्का है, धीमे धीमे निकल जाएंगे इसमें। पत्थर के कोने देखने हैं, कहीं पत्थर का कोना ना हो। देख रहे भाई, एक दूसरे को सपोर्ट करते जा रहे हैं। अब यहाँ रोड पूरी खत्म हो गई, सही पूरी रोड खत्म हो गई यहाँ पे। हाँ, गुड मॉर्निंग इंटरनेट। आज है डे टू और सबसे पहले बाहर का नज़ारा देखिए माय रूम से। यहाँ पे सुबह और ऊपर है चांद, सामने हमारे सामने मनाली में ये रिवर और ये हमारा होटल। यहाँ पे भैया तैयारी चल रही है। ये रात में भाई हमने खाना वाना खाया था, गुड बाय गुड नाइट कुछ कह नहीं पाए क्योंकि हालत इतनी ख़राब थी, तो बाय भी नहीं हुआ कल। तो आज यहाँ से हमारा प्लान है, यहाँ से निकलेंगे चंद्रताल। अभी लात मारी जा रही है लोगों को, भाई उठो उठो उठो। कितना बज गया है विकल? 6:52। टारगेट है कि हम लोग 8 बजे निकलें और 7-8 घंटे लगेंगे हमें चंद्रताल जाने में। तो भाई अब यहाँ सब जा रहे हैं, फ्रेशन अप होंगे। शायद ये बता रहे हैं कोई हॉट स्प्रिंग है, देखें कितना हॉट है वो। वहाँ पे नहा धो के थकावट उतारते हैं और फिर यहाँ रेडी होके निकल जाएंगे। तो ये है हमारे महादेव का मंदिर। तो भाई बोलना बनता है ना, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। यहाँ पे जेंट्स का लेडीज का नीचे है और यहाँ पे जूते उतारने हैं। ये भाई चप्पल में आया है तो ये अंदर नहीं जाएगा क्योंकि चप्पल में आया है। तो इस बात हो गया, थकावट पूरी चली गई जो आज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब लगने वाला है यहाँ से 6 से 7 घंटे। 110-120 किलोमीटर का ही पैच है बट इसमें लगेंगे 7 घंटे। बाइक पूरी रेडी हो गई है, उधर भी बाइक रेडी, ये दोनों बाइक रेडी, दो पेट्रोल भराने गए और मैं पूरा रेडी हो गया हूँ। पेट्रोल भराएंगे और मिलते हैं फिर आपको रास्ते पे। सो गाइस, टाइम हो गया निकलने का, पेट्रोल फ्यूल अप करा लिया, टैंक फुल करा लिया है। जेरी कैन में नहीं लिया क्योंकि अटल टनल में ले जाने देते नहीं हैं, तो अगर उसके क्रॉस करके हमें मिलता तो ठीक है, नहीं तो फिर इतना तो पेट्रोल है कि हम लोग काजा तक पहुँच जाएँ। और आप ऊपर देखिए पूरे नज़ारे, कितने अच्छे अच्छे नज़ारे हैं ऊपर और सामने देख सकते हैं आप। टाइम हो गया है 10:30, हमें जल्दी निकलना था, 2.5 घंटा लेट हो गया, पता नहीं क्यों भैया लेट हो जाते हैं इतना। और वहाँ पे देखिए थोड़ा सा बादल का फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा, ये हमारी व्यास नदी जो बह रही है खल 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 खल। और ये सब देखिए जा रहे हैं ट्रैकिंग करने के लिए, कितने सारे लोग हैं। पहाड़ की चोटी देखें, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने क्राफ्ट कर दी हो, इसको काट काट के डिज़ाइन बनाई हो, मीनारें बना रखी हैं। और अब हम लोग सोलांग वैली में एंटर कर चुके हैं और आप ये लैंडस्केप देखिए, आगे जाके अटल टनल से निकलने के बाद ना ये लैंडस्केप चेंज होता जाएगा हर तरफ। तो यहाँ पे आपकी होती है पैराग्लाइडिंग और ये टनल स्नो प्रोजेक्ट, ये बहुत पहले बना था, ये सबसे पहला टनल बना था यहाँ पे। हे देखो भाई, खतरनाक सीन। वो देखो भाई, वो स्नो एकदम फ्रेश स्नो है, मेरे ख्याल से 1-2 दिन पुरानी स्नो होगी जो आपको दिख रही है वो टॉप पे। भाई स्नो का सीजन आ गया, किस्मत ने साथ दिया गाइस, तो रास्ते में स्नो मिलेगी भी हमें। और ये बादल देखो, मजे ही मजे भाई, मजे ही मजे। सो गाइस, पहुंच गए हैं हम लोग अटल टनल और अब यहाँ से क्रॉस करेंगे राइट लेके स्पीति, निकल रहे हम लोग। और फाइनली एंटर कर रहे हैं अटल टनल में। तो यहाँ सर को बाय करते हैं, चलिए सर थैंक यू वेरी मच। और हम चले अपने स्पीति दर्शन करने। तो हमारे बगल में बैरी चंद्रा नदी, सामने है पहाड़ और हम पहुंच चुके हैं कोकसर। आगे यहाँ पे हमारी पर्चियाँ चेक होंगी और उसके बाद फिर हमारी एंट्री मिलेगी। देखिए क्या खल 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 नदी बह रही है। चेक दिस आउट। तो मैंने बोला ना भाई कि नज़ारे दिखाते दिखाते थक जाऊंगा लेकिन नज़ारे नहीं ख़त्म होंगे।
और यहाँ पे खड़ी हमारी बाइक्स। सो गाइस कोक्सर से निकल गए हैं और अब रुकेंगे हम लोग सीधे चाचा चाची के ढाबे पे, और आप ये नज़ारे देखिए कितने बेहतरीन हो रखे हैं नज़ारे यहाँ पे। हल्की हल्की सी सर्द हवा लग रही है। तो अब यहाँ पे जो कट आता है वो है चंद्रताल के लिए नीचे। स्टार्ट हो गया हमारा ऑफ रोडिंग और चंद्रताल की एंट्री यहाँ से है। ऊपर चले जाते हैं सीधे तो रोहतांग पास, ये है चंद्रताल। तो कुछ इस तरीके का रास्ता मिलने वाला हमें। भाई साहब एकदम मस्त फीलिंग आ रही है। आई फील गुड। आगे का गाना नहीं आता है। चंद्रताल, हाँ चंद्रताल, इधर इधर दो भी रास्ता है, दोनों सेम ही है। कैसा है, वापस आ रहे जा रहे हो? जा रहा हूँ। अच्छा चलो। बहुत धूल उड़ रही है। तो हम इधर से निकल के जाएंगे, देखते हैं कैसा है। दोनों सेम ही हैं, उतरने में ऐसा कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। भाई पूरा रास्ता ऐसे ही होने वाला है। तो अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस सफ़र में झटके बहुत लगने वाले हैं। तो ये कि हमारा पहला लड़का, और मेरी बारी, और बहुत प्यार से क्रॉस करेंगे। तो ऐसी छोटी मोटी वाटर क्रॉसिंग आती रहेंगी और हम लोग इंजॉय करते रहेंगे। चलता रहे आराम चलता रहे। तो भाई ये धीमे धीमे करके वहाँ से आ रहा भाई, टपक टपक। ओ देख भाई टॉप पे अगर दिख रहा हो तो वहाँ पे एक से गिर रहा है झरना। बस यहाँ पे यही देखना होगा कि कहीं पे ना कुछ लोहा हुआ ना पड़ा हो, और जैसे सीमेंटेड कर देते हैं फिर वो टूट जाता है तो उसके लोहे पड़े रहते हैं, सरिया जिसको कहते हैं, उनसे थोड़ा बच के चलना होता है। तो पहले वो देख लो। दूसरी चीज़ क्या है यार, वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करनी तो पहले उसकी गहराई नाप लो। घुस के नाप सकते हो तो बहुत अच्छा, घुस के नहीं नाप सकते तो ये समझ लो जितना शांत पानी उतना गहरा, ठीक है। और अपना एंगल बना लो एक कि भाई मेरे को उधर जाना है, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, किस पॉइंट पे जाना है उस पॉइंट पे फोकस करो, लाइक अर्जुन। ओए होए, चले चलो चले चलो धीमे धीमे भाई साहब। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रास्ता और ख़राब होता जाएगा हमारा। निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा, इधर से इधर और इधर से झरने की तरफ, और पानी को डिच करते हुए साइड से, फिर और साइड, फिर बाइक में दे दो पावर। हुया, ये तो भाई साहब चढ़ाई आ गई, चढ़ाई। वाह वाह, हाँ ओ ओ, वाह हाँ हाँ है। पंप तेरे पास है? पंप पंप उनको देना है। बाइक पंचर हो गया भाई, इसको डबल पे लगाओ पहले, डबल पे, फिर हवा सही से जाएगा, क्योंकि सिंगल पे ना दबा रहेगा एक तरफ ना, तो ज़्यादा ताकत लगे। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? चंद्रताल। कैसा है? बढ़िया। बर्फ वर्फ है वहाँ पे? अभी तो बर्फ नहीं है, मतलब रात में बस ऐसे गाड़ी पे बर्फ जमे, इतनी ठंड है। हैं सही है, -1-2। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। किस में रुके थे आप लोग? क्या किस में रुके थे? मतलब वहाँ पे ना एक वाइट कलर का ही होगा जब लास्ट एकदम कैंप साइट, एकदम चंद्रताल के पास, रोहतांग। चंद्रताल हाँ, रोहतांग कैंप है ना?
यार नाम नहीं याद। चलो कोई नहीं, हमारा भी लास्ट ही वाला। वहाँ से आने में यहाँ तक कितना टाइम लगा? 4 घंटे। साला सही, हमें भी 4 घंटा लगेगा। लगो लगो लगो, आप लोग किधर से आ रहे हो? वैसे तो है हम आईटी रुकी में पड़ते हैं, चंडीगढ़ से उठाइए गाड़ी। अच्छा चलो बढ़िया यार, आराम से जाओ। गाइस वो चेकआउट करो, वाटरफॉल कैसे है ये बड़े। ओए ओए अपनी साइड पे भाई, जरा ज्यादा ही जोश में आ गया था। चलो भैया जय श्री राम। निकल गई। अभी तक नीचे चल रहे थे, अब ऊपर चढ़ रहे हैं। पता नहीं कितना किलोमीटर आए हैं, कुछ नहीं पता है, बस चल रहे हैं। बाकी सब ठीक? हाँ चल रहा है। और तेरा भाई साहब वो देखो ऊपर, ये हैं वाटर क्रॉसिंग्स। चलो भाई चलो भाई, अब की बार जूते गीले हुए। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। आपको ही मजा है ना गाइस, मजे आने चाहिए फुल टू। और वो देखिए सामने और झरना भाई, झरने ही झरने हैं, झरने ही झरने। वो देखिए ऊपर से आ रहा है। और हम लोग कहीं उधर घूमते हुए ऐसे ऐसे करते उधर तक जाना है हमको। 50 किलोमीटर बाकी है अब यहाँ से। मैं आपके हिसाब से 1.5 घंटा, हमारे हिसाब से 3 घंटा। 3 बज गया, शाम के 6 बजे तक पहुँचेंगे। आपका भाई लेट गया चट्टान पे पीठ सीधी करने, और यहाँ ले रहे हैं सनबाथ। मस्त मजे आ रहे हैं, क्यों मजे, कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं है। नेटवर्क है नहीं फोन में, नीचे मदर नदी है उस साइड में, वहाँ नदी खलखल खलखल खल के बह रही है। ये बड़े चट्टान, और ये पूरे चट्टानी चट्टान चट्टानी चट्टान है। यहाँ तेल चट्टे की तरह बैठे हुए, फोटो ने अब सूखना शुरू कर दिया है, हवा बहुत चल रही है। तो ऐसे कैरी करना ना बहुत जरूरी है, पहने से पहने। यहाँ पे चल रहा मैं लौंडो का फोटो शूट, वहाँ देखो सब चश्मा उश्मा लगा के, ये भाई प्रो फोटोग्राफर्स। हम लेके आए भाई अपने दो दो फोटोग्राफर्स। पानी पूरा खत्म हो गया, बूंद बूंद करके पानी पिया है अभी, और अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये वाला जो पुल है बहुत पुराना पुल है, और ये नया है। तो ये है पुराना ब्रिज जा रहा है, ये पूरा बंद हो चुका है, और उसको क्रॉस करते यहाँ पे दुकान मिल जाती है पानी वानी के लिए। ये कैंप है तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं। तो अब निकल गए छतरू से, थोड़ा सा पानी वानी पिया। पॉपुलेशन है 120 और इसकी हाइट है 11,100 फिट। 3:46 हो रहे हैं, 4:30 बजे तक चलते जाना है। भोलेनाथ का नाम लो और चल पड़ो भाई। और ये भैया टूटा फूटा सा ब्रिज। चंद्रताल यहाँ से 40 किलोमीटर है, 2 से 2.5 घंटा बोल रहे हैं कि भाई बाइक से लगेगा, देखते हैं। 2.5 घंटा तो 4, 6:30 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। 5 बजे तक हम कंटिन्यू चलेंगे, और आगे रोड पे काम चल रहा है। हे भगवान, रास्ता बस बंद ना हो। और ये हमारे भाई साहब अपना रेन कवर धान करके निकलते हुए। किसको दान कर रहे हो? अबे रुको फंस गया है बे, दान कर रहे हो?
चलो 15 मिनट्स लेटर। भैया थोड़ा सा दरवाजा बंद कर लो। धन्यवाद। ओ भाई ये ट्रक कहाँ जा रहा, पीछे। तो गाइस एक्स्ट्रा टाइम लेके हमेशा चलना चाहिए अपनी हैंड में 2-3 घंटे का, क्योंकि ऐसे ब्लॉकेज आपको मानसून सीज़न में अगर चल रहे हैं तो मिलेंगे मिलेंगे, और जैसे मानसून हटने वाला होता है या फिर स्नो का सीज़न आने वाला होता है उससे पहले लोग काम स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सब मिल सकता है। यो बड़े हे, ये होता है भाईचारा, ना जान ना पहचान, वी ओनली टॉक ओनली वन लैंग्वेज। और ये है चंद्रू रिवर, हमारे साइड में बह रही है, इससे बस ये है कि भाई हम पहुंचने वाले हैं, नीचे आ गए हैं बस वैली के। अभी पता नहीं कि ऊपर जाना है कि नहीं वैली के, लेट्स फाइंड आउट। कोने कोने में दर्द हो रहा है और यहाँ पे काम चल रहा है। वन पर्सन एट अ टाइम, ये समझ लो ऑलमोस्ट नदी के बीचों बीच में चल रहे हैं हम लोग। कभी यहाँ नदी बहा करती थी, अब नहीं बहती है, है ना भाई। कितना मस्त है, मस्त है नज़ारा। यो बेबी, गाइस वो चेकआउट करो, और सामने देखो कितनी मोटी परत जमी हुई है बर्फ की। देखे गाड़ी कूदती फांती चली आ रही है, चले हम इधर से निकलते हैं। धीमे धीमे पहले गियर पे इंजन ब्रेकिंग के साथ, यहाँ पे हल्का सा खतरनाक हो जाएगा, काफ़ी खतरनाक हो गया। ओ भाई साहब ये, और यहाँ तेज़ी से चल रहा है काम। अरे ट्रक वाले भैया तुमने हमको, ओ भाई नहीं भाई साहब, गदर पीटते चला गया ये। पूरा कीचड़ रखा यहाँ पे, क्या लड़ा भाई, जीटी लेके आया है। अब आ गए बिरान पहाड़, मिट्टी के चट्टाने हैं इधर, ये पूरे बिरान, ऊपर लाल पहाड़, उधर सफेद पहाड़, देखो पूरी बर्फ। ओ बेटे रोड दिख रही है, और वो वाटर क्रॉसिंग भी दिख रही है। चलो चलते हैं, बच गए। हाँ पूरे जूते गीले हो गए अब। ओ भाई साहब पहुंच गए वाटर क्रॉसिंग के बाद, पैरों में ठंडक आ गई, थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, पीछे वालों का वेट करते हैं। लगी तो नहीं, रुक जा, आ रहे। बंद कर बाइक, बंद कर सुमित, बाइक साइड में कर दे, एक बाइक आ रही है, ओए साइड पे कर दे।
स्टैंड लगा, स्टैंड लगा सर, स्टैंड लगा, लगा दिया। नहीं गिरेगी। क्या हुआ था, क्या हुआ था? अच्छा उधर क्या, उसका पैर नहीं लग पाया। चल आ जा। हैं? हाँ हाँ लेके आ दी। पहाड़ देखो, ये लग रहा है जैसे फ्लैट है, फिर सरफेस बना हुआ है लेकिन पहाड़ है। वो देखो पूरा लग रहा है फ्लैट हो रखा है लेकिन ये पूरा पहाड़ है भाई। ये देखो पूरा, ये भी देखो ऐसे ही लग रहा है। तो पहुंच गए हम लोग चाचा चाची के पास। ये रखा है, मैं लग रहा है यार तो वो होगा, पंचर किट है। पंचर किट खोलो है कैसे है? खोलो है कैसे? चलो आगे लगाए दो। यूट्यूब वाला पंचर किट लेके चलेगा। हाँ भाई, ओह भाई जब धक्का देना गड्ढे में उसके, थोड़ा आगे कर देता हूँ ना। पत्थर नहीं लगा दे रहे ना? नहीं थोड़ा आगे कर, डबल पे डालूंगा ना। भाई अब इसको डबल पे खड़ी करा दो, खींचो। हाँ गोरिल्ला हिमालयन। हवा निकाल दी तो पंचर नहीं है ना? वेट करो, एक बाइक आ रही पीछे, वो पंचर, वो पंप लेके आ रहा है। देखो हवा डाल के देख लो, ऐसे तो पता भी नहीं चलेगा ना, तुम खोल के रख दोगे। हाँ इसको चला मुसाफिर भाई, ये मेरे को पता है कहाँ मिले थे, जब हम लोग हमने वहाँ पे चाय पी रहे थे, मैंने इनकी फोटो की भी ली थी भाई। तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। अच्छा गोरिल्ला करके आपने वीडियो डाल रखी है। हाँ 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 हाँ, थैंक यू गाइस, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है यार। लखनऊ से हो? किधर? चौ ठाकुर। हम अलियाबादी हैं। लो भाई निकल है। वो वाली बाइक हमारे बहुत काम आ रही है, उसके में पंचर किट, पंचर का पंप रखा हुआ है, उसके में हवा पंप रखा हुआ है, तो वही और चल रहा है। पंचर हवा भर के देखें एक बार भाई लोग। तो आप रेंट पे लेके आए हो? कहाँ से? अच्छा केवल चंताल हो के आए हो? तो जा रहे हो तो साथ में चलो फिर यार। कहाँ पे रुके हो? वहीं रुकेंगे, मतलब कुछ बुक करा है? चलो गुड, निकाल दे भैया लोगों को। आज काम नहीं कर रहे, बस ये सामान ऊपर ही रखा है। ये लो भाई पन्नी, तो पता तो उड़ गई, फिर ढूंढते घूमेंगे। ये लो भाई डबल पे लगाओ, चेक करो, बैटरी बंद करना घुस जाएगी बैटरी। हाँ अब लगाओ, इसको लॉक खोलना पड़ेगा। अरे ये लो भाई शुरू हो जाओ। प्रेशर बन रहा है, टाइट पावर लग रही है। नहीं लग रही। तो भैया पंचर चेक किया जा रहा है, हर चीज की ट्रेनिंग की जाएगी यहाँ पे। ये वाली बाइक हमारी दोबारा गिर गई, दूसरी बार गिर गई ये बाइक यहाँ पे। ये टूट गया इसका, चल के शीशा ही टूट गया पूरा, अंधा हो गया एक तरफ से। सो ये गाइस है यूट्यूबर सेक्शन, यहाँ पे देखो सबका लगा हुआ है, हम लाए नहीं कुछ अपना। और ये हमारे चाचा चाची की फेमस दुकान, जिसको देखते देखते भाई भगा भगा के आए बाइक। अब टाइम हो गया चाचा चाची को यहाँ से बाय करने का, और यहाँ से हम निकले चंताल। यहाँ से 14 किलोमीटर लगेगा, एक घंटा, देखते कैसे होता है। तब से इन पहाड़ों को देख रहे थे, अब भाई इन पहाड़ों के पास पहुंचने का टाइम है। धूल धूल धूल
हवा बहुत तेज चल रही है, हाथ पूरे ठंडे हो गए हैं भाई। 10 डिग्री टेम्परेचर हो गया है यहाँ का। अभी चाय पी है और वहाँ अगर आपको दिखे नीचे की तरफ तो वो पुल के पास ही चाचा चाची की दुकान है और वहाँ पे शायद पेट्रोल स्टेशन भी खुल जाएगा जल्दी, मे बी नेक्स्ट 1-6 या 6 महीने नहीं, 1-1 साल में खुल जाना चाहिए, क्योंकि मनाली के बाद इस रूट पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है यहाँ चंद्रताल तक। और जेरी कैन में ला सकते हैं, कई बार मना हो जाता है, पुलिस वाले मना करे तो भाई फिर कोई ऑप्शन नहीं है। तो ड्राइव वाइजली, ज़्यादा हूँ हाँ करके नहीं चलाने का, जितना पावर चाहिए बाइक को, केवल बाइक को उतना ही पावर दीजिए और मज़े में चलिए। ओ बच गया, ओह भाई इस तरफ तार हैं भाई, उधर चलने में डर लग रहा है तो मैं इधर ही चल रहा हूँ। तो फाइनली वहाँ पे हमें गेट दिख गया है, उधर चंद्रताल इस तरफ है और ये रहा कुंजुम पास, वो दूर एक लाइट दिख रही है शायद वही है। एक और बाइक आ गई, पैरों में ठंडी आ गई लग गई है, क्या हो गया इनको। तो फाइनली हमको वहाँ पे कैंप दिखने लगे हैं, हमारा ये कैंप नहीं है, हमारा कैंप आगे की तरफ है। चलिए अपने कैंप पे चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। यहाँ पहुँच गए हैं तो देखिए वहाँ पे लाइट मार रहे बाइक से, आ रहे आ रहे आ रहे, रास्ता उधर से, रास्ता उधर से। अगर फाइनली पहुँच गए हम लोग, ऊपर दिख नहीं रहा है कुछ हमको, तो अब नेकेड आई से दिखने लगा है गैलेक्सी। और यहाँ पे हमारा होटल। सौरभ भाई आगे जा रहे हो, सौरभ भाई हमारे आगे जा रहे हैं। ये पूरा कैंप है भाई, अरे चला भी नहीं जा रहा, हालत ख़राब हो गई है। ये रहा हमारा टेंट, इसमें लगे हमारे 1500 रुपया, कैंप नंबर 14, और इसमें खाना पीना इंक्लूडेड है। वाह भाई वाह, मज़े ही मज़े। तो आपको एक खटिया मिलेगी, कंबल भी लेंगे तो खटिया एंड कंबल, पीछे आपका अटैच वॉशरूम। भाई ये हमारा देसी वॉशरूम, ये देखिए वो देखिए ये, और जब पानी छुआ जाए, अरे मोरी मैया रे बड़ा ठंडा है रे। मेरा खाना रोटी पापड़ चावल सब्जी दाल, ये कैंप के जो पेमेंट थी ना उसके साथ है। और अब खाना खाता हूँ, पेट पूजा करता हूँ, मिलता हूँ उसके बाद। गाइस अभी का टेम्परेचर हो रखा है 4 डिग्री, एक जैकेट पहन रखा है, ग्लव्स पहन रखा है, लेकिन फील माइनस वाली है। एक जैकेट और पहनने जा रहे हैं और फील आ रही है माइनस वाली है। सुबह जब उठेंगे ना भाई 4 बजे, 3:30 बजे तब रॉकेट बनेगा यहाँ पे रॉकेट। बस गए, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, आज का वीडियो यहीं बंद करेंगे हम, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सेफ राइडिंग, ईट स्लीप राइड एंड रिपीट।